जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर कोहरा बना रहा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जनपद में बारिश हुई थी, जिससे मौसम में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से सुबह व शाम में फॉग रह रहा है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में छिटपुट वर्षा हो। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार अभी तक कहीं से भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मौसम को देखते हुए अनुमान व्यक्त किया गया है कि कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं पर भी नुकसान की सूचना प्राप्त होती है तो राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों व जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, बड़ी हुई है बच्चों को स्कूल छोड़ने में और ऑफिस जाने वाली की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम काफी खराब था सुबह में, अब धूल हुई है, मौसम साफ हो रहा है तो आदमी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। इसमें हम भी अपने स्कूल के लिए निकले हैं, मैं जाना से स्कूल जा रहा हूँ। मौसम में थोड़ा दिक्कत नहीं है, इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। मेरा नाम राहुल है। बहुत दिक्कत हो गई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा चौराहे पे, बहुत आज तिलक बहुत ज्यादा है, आज बस छूट गया मेरा, इसलिए आज नहीं गया। चंद्रपा त्रिपाठी, सुबह तो मौसम 6 बजे तक एक्चुअली साफ था, 7 बजे के बाद बहुत कोहरा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह जब बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही है और दिखाई कम दे रहा है और हम लोग सोकर भी लेट में उठे हैं थोड़ा सा कोहरे की वजह से। संदीप नाम है मेरा। अभी तक कल तक मौसम सही था, लेकिन आज फिर बढ़ गया है तो अब बच्चों को भी सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। स्कूल भी बीच में बंद हो गया था, फिर स्टार्ट हो गया, फिर ठंडा भी बच्चों को जाने में भी दिक्कत हो रही है, अब कॉलेज में भी जाने में भी दिक्कत हो रही है। बस उसकी अभी फिर से लेट उठ चल रहा है। मौसम का आज थोड़ा सा ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो समस्या तो ज़्यादा ही है, अभी बढ़ी गई है। अरविंद नाम है। हाँ बढ़ा है, थोड़ा सा थोड़ा बढ़ा है, आने जाने में थोड़ा सुविधा होगा। किस प्रकार की अपनी गाड़ी गाड़ी में बैठ के चलने से बचाव धीरे धीरे चलना पड़ेगा आराम से, और दिक्कतें महसूस हो रही है, लेकिन उसे गेहूँ के लिए अच्छा है, गेहूँ की फसल के लिए थोड़ा आवश्यक है, पैदावार बढ़ेगा। और मास्टर प्रशांत सिंह, हमें लग रहा है गोरखपुर में बढ़ती पॉल्यूशन के कारण फिर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता लगातार धूप था, अचानक से ठंडी बढ़ने का कुछ समझ नहीं आ रहा है और पेपर फिर भी चले जा रहे हैं, पेपर छुट्टी सरकार दे नहीं रही है। रितेश यादव, सर काफी खराब हो गया मौसम, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, एग्जाम देने में दिक्कतें हो रही हैं और काफी फॉग भी गिर रहा है सर, बस इतना कम हो गया। किस तरह की समस्या हो रही है सर? विजिबिलिटी में सर, कार चलाने में सर ठंडी लग रही है सर और काफी चीजें बस सर। देखिए जो ऊपर कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है, जो हमारे अपर एरियाज में जो बारिश हो रही है, उसके कारण या थोड़ा मौसम में थोड़ा बदलाव है, थोड़ी शीतलहर की स्थिति उत्पन्न है, जो कि संभावित है कि जनपद में भी हो सकता है छुटपुट वर्षा हो किन स्थानों पर, तो ये संभावित है कि वर्षा हो सकती है। हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी प्रकार का फोरकास्ट या नॉकास्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा हो सकती है। उसके दृष्टिगत अभी डिपार्टमेंट्स अभी उसमें हैं, अगर कहीं से कोई किसी तरह की कोई नुकसान या किसी चीज़ की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।